वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर विजुअल बेसिक 6 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं SQL के अंदर से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। VB6 पर क्वेरी के थ्रू हम कैसे कंट्रोल बॉक्स के अंदर वहां पर जिस रिकॉर्ड को भी डिलीट करना चाहते हैं उसका नंबर हम पास कराएंगे और हमारी SQL क्वेरी वहां पर एग्जीक्यूट होगी और डेटाबेस से हमारा रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएगा। तो वही चीज़ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमें रेफरेंस लाइब्रेरी को कनेक्शन बनाने के लिए ओपन करना होगा, जो हम ऑलरेडी कई बार सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कनेक्शन बनाने के बाद हमें जो करना होगा रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए, सबसे पहले एक बॉक्स हमें यहाँ पर बनाना है। एक लेबल हमने यहाँ पर ड्रैग कर लिया है एक फ्रेम के अंदर, और एक डिलीट बटन हमने बनाया है, कमांड बटन, जिसके क्लिक इवेंट पर हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। यहाँ पर हमें जो कोड करना है डिलीट बटन पर, सबसे पहले तो कनेक्शन बनाने के लिए हमने कनेक्शन और RS हमने रिकॉर्ड सेट के लिए डिक्लेयर कर दिए हैं टॉप ऑफ द प्रोग्राम। कनेक्शन स्ट्रिंग सबसे पहले हमने पास करी है अपने कमांड के क्लिक इवेंट पर, और रिकॉर्ड सेट हमने ओपन करवाया है अपनी टेबल का नाम, जहाँ पर हमारा सीरियल नंबर मैच करता हो हमारे डाले गए नंबर से। अगर ऐसा होता है जो हमने टेक्स्ट वन में डाला है, तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएगा। SQL के अंदर हम एक मैसेज पास करा रहे हैं SQL क्वेरी के अंदर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि हमें डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड्स वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब जो नंबर हमने डाला है वो अगर रिकॉर्ड्स हमें मिलता है तो हमारा यहाँ पर ये कनेक्शन जो हमने बनाया है टेबल का वो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। रिकॉर्ड्स अगर मिलता है तो वो सीधा जाएगा एल्स कंडीशन पर, और अगर रिकॉर्ड्स एंड तक नहीं मिलता तो हमें यहाँ पर एक मैसेज दिख जाएगा रिकॉर्ड नोट फाउंड का, और हमारे रिकॉर्ड सेट और कनेक्शन को हम यहाँ से बंद करा देंगे। तो नीचे हमारी जो SQL हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कराई है, जो क्वेरी हमने पास कराई है SQL के अंदर, एक डिक्लेयर कर रखा है हमने यहाँ पर वेरिएबल SQL, वो हमारी कनेक्शन एग्जीक्यूट होगा। SQL क्वेरी को हमारी एग्जीक्यूट करने पर अगर रिकॉर्ड्स हमें मिल जाता है तो वहाँ से रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएगा। एक मैसेज बॉक्स में हमने मैसेज भी दे दिया है जिससे यूज़र को पता लग जाए कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम रिकॉर्ड सेट और कनेक्शन दोनों को बंद करा देंगे। तो आइए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सेम एज कोड जैसा हमने देखा था अभी PDF के अंदर, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है बटन के अंदर, कमांड बटन, जो डिलीट हमने यूज़ करा है कमांड बटन, और इसके ऊपर हमने वो सारा कोड कर दिया है। रेफरेंस लाइब्रेरी भी हमने पहले खोल ली है, और उसके बाद हम यहाँ से इसे रन कराते हैं। रन कराने के बाद हम डालते हैं यहाँ पर 3 नंबर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हमारे SQL टेबल में। एंटर करने पर हमें वो मैसेज देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। हमने की प्रेस पे कोड नहीं कराया इसलिए एंटर करने पर वो नहीं शो करेगा, बटन पर क्लिक करने पर शो करेगा। अगर आप चाहें तो की प्रेस पर भी वो कोड कर सकते हैं, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड नोट फाउंड पे ओके करा। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 नंबर डाला और 2 नंबर एग्जिस्ट करता है, डिलीट करने पे हमें मैसेज दिखाई दिया है रिकॉर्ड डिलीट, यानी कि हमारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। एक नंबर हो रहा है हमारा पहला नंबर, वो भी हमने यहाँ पर चेक करा तो हमारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब हमारे कोई रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो एंटर करने पर हमें मैसेज दिखाई देगा रिकॉर्ड नोट फाउंड का। तो ये थे हमारे SQL से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो हमने लास्ट 3 वीडियो में देखा था, और आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। सेव रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड को सर्च करना, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना और रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, ये चारों स्टेप्स हम कर चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। PDF के रूप में हमारी फाइल्स अवेलेबल हैं www.selfadhyan.in पर, जो अगर आप पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम और भी चीज़ें विजुअल बेसिक के अंदर सीखने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।